लेडीज एंड मॉड्यूल 86 इज ए डिफाइनिंग मोमेंट में हम आ, आ रहे हैं और अब देखते हैं कि रिसर्च को जैसे मैंने बताया कि एक्स एफिशिएंसी को यूएसए में चाइना में पॉइंट एट से हमने पॉइंट नाइन नाइन पर देखा और फिर हमने इसका देखा कि कमर्शियल बैंक के अंदर और फिर इसके अंदर स्टेट ओन एंटरप्राइज के अंदर भी अलग अलग स्केल के साथ चाइना ने एफिशिएंसी को गेज किया अब यही देखते हैं कि ताइवान में भी ये मॉडल

बढ़ावा कैसे मिलेगा हमारा एक्स एफिशिएंसी सो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन देर वाज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस इन एक्स बिटवीन द द टू ग्रुप्स मीनिंग प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट ओन मोर देन द प्राइवेट बैंक अब कंपेरिजन यहां देखिए जी कि पाकिस्तान में अगर हम देखने तो मेरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें कि आपकी एफिशिएंसी है ही नहीं जीरो कंप्लीट जीरो सो अगर आ, अगर आपका जो प्राइवेट सेक्टर है

जब आता है तो उसको तो गेज चाहिए मेयर करेगा और आपकी एफिशिएंसी को आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को गेज करेगा सो so यही काम यहां पर हुआ सो इन दैट केस चाउतांग बैंक एक्सी बिफोर द आफ्टर प्राइवेटाइजेशन वॉज जीरो एंड 0.97 रिस्पेक्टिवली वो इंक्रीज कर गया तो कितना बड़ा जंप लगा उसके एफिशिएंसी के ऊपर देर है वर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बैंक शेयर होल्डर एक्सी इज लोअर बाई द स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट सो अब हम इसको जब अगर हम गौर से देखते हैं कि हम जब इन फैक्टर्स को लगाते हैं तो हमारी एफिशंसी इंक्रीज कर रही है ग्रेजुअली यूएसए को देख लिया चाइना को देख लिया ताइवान को देख लिया इनकी पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी देख लिया तो so, हमारे पास अब ये एग्जाम्पल आ गई है मैं पाकिस्तान के आंटरप्रन्योर्स के लिए हमारे जो एम एस में पढ़ने वाले बैचलर्स में पढ़ने वाले या इवन पी के अंदर जाने वाले मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि इन एफिशिएंसी के मॉडल्स को ज़रूर एम्पे एम्पेरिकल डाटा पे एम्प्लीकेशनस में लेकर आए इनको यूज़ कीजिए और टेस्टिफाई कीजिए मुख्तलि ऑर्गेनाइजेशंस में और अब अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है जो झटका सिस्टम पे नहीं आएगी सो दिस इज़ वे मच इंपॉर्टेंट कि आप आपको मैंने तीन बड़ी इकोनॉमीज का एग्जाम्पल दे दिया जिसके अंदर रिसर्च बेस्ड ऑन एफिशिएंसी जब तक मैयर नहीं होगी हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट स्टेटिस्टिकल इंपेरिकल बेसिस पर नहीं आएंगे थैंक यू